नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। दोस्तों, इस बिल के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों, जब इस बिल पर लोकसभा में बहस हो रही थी तो ओवैसी ने इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये मांग उठा रहे हैं कि ओवैसी की संसद की मान्यता रद्द की जाए। दोस्तों, वे लोग कह रहे हैं कि संसद में जो कार्रवाई होती है वो भी संविधान के हिसाब से होती है और ओवैसी ने इस नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़कर संविधान का अपमान करा है, इसलिए ओवैसी की संसद की मान्यता रद्द की जाए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है ओवैसी इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं का, सिखों का क्या हाल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ओवैसी साहब उन हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की स्थिति को समझेंगे और इस बिल का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और आप भी अगर इस बिल का सपोर्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।